Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये जानना चाहूंगी कि सेकेंड लास्ट वीक में आउट हो गए तो कितना आपको बुरा लग रहा है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे वहां तक पहुंचना था, वो ट्रॉफी जीतनी थी, पर इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैंने इतना लंबा सफर तय किया। तो आपको लगता है कि कुछ कमी हो गई थी? कमी कुछ भी नहीं हुई थी। आई थिंक मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। किसी शो में आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए मैं फेक करने पे बिलीव नहीं करती हूँ। आई एम द वन जो मैं अपने ग्रेस को मेंटेन करते हुए और अपनी बातों को आगे रखते हुए अपना परफॉर्मेंस देना पसंद करती हूँ, वही मैंने किया, तो कमी कहीं नहीं है। हाँ, जस्ट दैट कि 19-20 का फर्क हो जाता है, तो वही हुआ शायद, इसलिए मैं बाहर हूँ। ओके, तो आपने फायर ब्रिगेड वाली क्लास में सुरभि को चुना रोमिल के जगह, इतनी क्लोज फ्रेंडशिप थी, तो उसका रीज़न जानना चाहिए। उस क्लास में मैं रोमिल के लिए गई थी, लेकिन जब मैंने कोशिश करने के बाद लगा कि मैं रोमिल की फ़ोटो नहीं बचा सकती क्योंकि सुरभि नहीं अग्री करेंगी और वो अपने लिए खेलेंगी, तो मुझे समझदारी लगी कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट को किसमें बचा सकूँ जो डिजर्व करता है उस दावेदारी को पाने में। तो मैंने वही किया, और कहीं ना कहीं दीपक भी खफा हो गए थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनको डायरेक्ट दावेदारी मिल जाती अगर मैं दोनों की फोटो चलती रहने देती, पर मुझे वो बेवकूफ़ी लगी और मुझे लगा कि सुरभि, दीपक एंड रोमिल तीनों डिजर्विंग है, इसमें मैं किसी एक को भी अगर दावेदारी दिला पाऊँ तो ये मेरी समझदारी थी। दीपिका ने बोला था कि आप अब जो पहुँचे हो अपने फ्रेंड्स लोग के सपोर्ट की वजह से पहुँचे हो, और फिर रोमिल ने भी कमेंट कर दिया था कि आप वीक हो, तो ये आपको कितना इफेक्ट किया गेम खेलते समय, कमज़ोर फील कर रही थी? दीपिका की बातें इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दीपिका ने ये चीज़ बोली तो उन पर भी कई सवाल उठे कि उनका वजूद शीशांत के बिना नहीं है। तो मैं उस चीज़ को, जो मेरे लिए अगर ऐसा बोलता है और जिससे मैं इतनी क्लोज नहीं हूँ, उनकी ऐसी बातें मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, रोमिल का वो बात मुझे शॉकिंग लगी और मेरी काफ़ी से आर्ग्यूमेंट हुई, काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हमारे, लेकिन जब उसने उस चीज़ की माफ़ी मांगी और दिल से कहा कि उसका वो मतलब नहीं था, वो सिर्फ कंसर्न में कुछ डिस्कस कर रहा था, उससे वो बातें अनजाने में निकल गई, उसका इंटेंशन नहीं था वो, तो मुझे लगा दोस्ती में एक बार माफ़ करना और मौका देना बनता है, मैंने वही किया, क्योंकि माफ़ करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है और मुझे वो स्ट्रेंथ। ओके, तो मैं ये जानना चाहूँगी जब दीपक के डैड आके आपको बोले थे कि दोस्ती तक ही ठीक है, तो कितना मैंने कहा था कि तुम दोस्तों पर बिया नहीं हो सकते, तो मैं अंदर से कहूँगी अंदर टेंशन मत लीजिए, हम बिया नहीं करने वाले क्योंकि हम सच में सब दोस्ती हैं। ओके, तो ओवरऑल आपको कौन लगता है कि ये फिनाले जीत कर जाएगा? मुझे लगता है कि दीपक फिनाले ओके, हमने ये देखा था कि ये वीकेंड के बाद में सब लोग ने दीपिका के अगेंस्ट, मतलब दीपिका को 7th रैंक पे रखा था, और सुरभि ने पलटवार कर दिया था जब सलमान ने पूछा था, तो आपका रिएक्शन क्या है कि सुरभि ने? ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लिप लगा कि जहाँ 7th पे रखा और डायरेक्ट मुझे 7th पे उन्होंने कहीं ना कहीं दिखा के और दीपिका को 5th पे रख दिया, तो एक बहुत बड़ा फ्लिप लगा मुझे, क्योंकि किसी की सोच में अचानक इतना बड़ा डिफरेंस आना और भी सिर्फ चंद लम्हों में, तो वो मेरे लिए शॉकिंग था। तो जिस बात का मैंने सुरभि से भी थोड़ा सा मेरा आर्ग्यूमेंट हुई, पर मैंने ज़्यादा उनसे तर्क नहीं किया उस बात पर, मुझे वो बेवकूफ़ लगी बातें उनकी, और इतना बड़ा एक ही डिसीजन को लेके 7th से लेके डायरेक्ट 1st पे रखना, आए मुझे डाउट लगा। ओके, शोएब आए थे तो उन्होंने बोला था कि साथ में डेट पे एक बार जाएंगे, तो कैसा था वो मोमेंट? हाँ, मुझे मैं एक्चुअली उन दोनों को साथ देख के, क्योंकि फैमिली भी था, हम सब बहुत इमोशनल हो चुके थे उस मोमेंट पे, और जब वो शोएब आए और दीपिका उनका साथ प्यार देख के मैं भी इमोशनल हो गई कहीं ना कहीं। आई वाज क्राइंग एंड ही केम टू मी एंड सेड दैट यू आर डूइंग वेल, एंड मैंने सुना है कि आप डेट पे जाने के लिए मुझसे एक बार आपने विचार सामने रखे, तो उन्होंने कहा जब भी आप बाहर आएंगी दीपिका से बोलूंगा कि वो हमारी डेट अरेंज करे और हम बाहर डेट पे जाएँ। ओके, जब या ठीक है, तो जब आपकी बहन की, तो सब बोलते थे कि आप बहुत पावर दिखता था, पर बहन के जाने के बाद पावर थोड़ा कम हो गया था, तो आप उस पर नहीं, मुझे लगा इस टाइम जब मेरी बहन 6 से 7 वीक घर में थी, उसके बाद घर का माहौल इतना ज़्यादा ऑलरेडी इतना, वो जब गई उसके बाद और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ गई, घर का माहौल इतना नेगेटिव हो गया, तो मुझे लगा अननेसेसरी चिल्लाना, हर बात पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है, जब अपनी बात आप सहूलियत से सामने रख सकते तो सहूलियत से सामने रखिए, काम नहीं रखिए, और जहाँ जब आवाज़ पूछी भी करनी थी मैंने की, ऐसी बात नहीं है नहीं की, पर अननेसेसरी हर जगह बोलना मेरी नहीं है। फैंस को क्या बोलना चाहोगे जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे? मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बरकरार रखिएगा, और मैं इंशाल्लाह और अच्छा और
कुछ बढ़ के आपको लेकर आपको एंटरटेन कर दे रहा हूँ।